हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास टेंथ के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ्स का रियल नंबर, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है बेटा, बट ये फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट क्या है। प्रूव डैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई सिक्स। इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्जुगेटिव जो होता है ये वर्ड जो है यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपके जो नंबर आप चूज़ करोगे वो कॉन्टिन्यूटी में होने चाहिए, जैसे 1 2 3, समझे बात बेटा मेरी, 1 2 3, उसके बाद 2 3 4, ऐसे 3 आपने कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, ठीक है ना। आप नेगेटिव भी ले सकते हो पर डिविजिबल वो 6 से रहेंगे, पर हम यहाँ पर बात पॉजिटिव करते हैं तो पॉजिटिव ही लेते हैं बेटा। इसका मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ कैसे करना आपने, देखिए 1 2 3, आपने क्या किया, एक नंबर चूज़ किया फर्स्ट 1, सेकंड हो गया 2 और थर्ड हो गया बेटा 3, इनको मल्टीप्लाई किया या इनको 6 से डिवाइड करके देखो तो ये 6 से डिवाइड होगा बिल्कुल बेटा एग्जैक्ट, 2 3 6 3 3, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर कोई भी आप 3 नंबर ले लीजिए, कोई भी आपकी मर्जी है, कोई भी नंबर आप चूज़ कर सकते हो नेचुरल नंबर, और वो कॉन्टिन्यूटी में हो तो आप उनको 6 से डिवाइड करोगे तो वो 6 से डिविजिबल होंगे बेटा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जब भी कोई 3 नंबर चूज़ करोगे उनमें से एक, कोई भी एक 2 से डिविजिबल होगा और कोई दूसरा 3 से डिविजिबल होगा। आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो, देखो बेटा 2 और 3 आया, इससे अगला नंबर अगर मैं चूज़ करूँ 2 3 4, तो 2 और 3 उसके अंदर आ गए, एक 2 से डिवाइड होता है, एक 3 से डिवाइड होता है। आप ऐसे 10 11 12, तो 12 तो डायरेक्ट आपको दिख ही रहा है 6 से डिवाइड हो रहा है, 13 14 15 13, आप एग्जाम्पल लिखे यहाँ पर 13 14 और 15। अब इसमें देखिए बेटा, आपका एक नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल, ये 14 जो है 2 से डिविजिबल है, और ये जो 15 है ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका मीनिंग 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हमने ऐसे पेपर में एग्जांपल नहीं देना है, इसको आप गलत प्रूव कर दिया जाएगा, आपका ये गलत माना जाएगा। इसको यूक्लिड डिवीजन जो लेमा होता है आपका मैथमेटिक्स में, इसमें रियल नंबर में यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ करके इसको प्रूव करना है, ठीक है बेटा। तो आप एक बात मेरी सीख लीजिए, यहाँ से आपको बता देता हूँ मैं, जो यहाँ पर नंबर दिया होता है 6, मान लो 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, स्टेटमेंट बदल जाती है, तो इस नंबर का बड़ा रोल होता है बेटा, उसी के अकॉर्डिंग आपने नंबर मानना है अपना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर नंबर को चूज़ करते हैं, देखिए अब हम अपना लिखेंगे यहाँ पर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो आप लिख सकते हो, उसके बाद मैं करता हूँ। लेट अस कंसीडर 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आर, आपने क्या माना उनको, एक को मानेंगे हम n, दूसरा बेटा n+1 और तीसरा n+2, ठीक है बेटा। हम ऐसे अपने नंबर चूज करेंगे, एक को मानेंगे n, दूसरा क्या मानेंगे बेटा n+1 और तीसरा क्या मानेंगे n+2। अब आपका यूक्लिड जो डिवीजन लेम है उसका क्या यूज होगा, देखें यहाँ पर हम अपना नंबर मानते हैं ऐसे, अगर आपको लिखना आता हो a=bq+r, ये आप यूक्लिड डिवीजन में एक नंबर को लिखने का रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है, ठीक है बेटा। तो आपने क्या किया, a को ऐसे लिखना है, b को हम क्या करेंगे यहाँ पर 6q+r। अब आपको पता है r आपको कहाँ से कहाँ वेरी करता है, r हमेशा देखिए बेटा 0 से ग्रेटर होता है और 6 से कम होता है। ऐसा क्यों होता है कि ये 0 से ग्रेटर होगा और 6 से कम होगा, अगर ये 6 से ग्रेटर हो गया तो 6 इसके अंदर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, समझे। अब मैं आपको लिख देता हूँ 13, अब 13 को अगर 6 से डिवाइड करूँ मैं, क्या आएगा 12 प्लस 1 13 आ जाएगा, आ रही बात समझ में। अगर मैं वहाँ पर लिख देता हूँ 18, तो 18 तो हम ऐसे नहीं लिख सकते 6 × 2 + 6, ये ऐसे नहीं लिखा, क्या लिखा जाएगा 6 × 3 + 0, रिमाइंडर क्या वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, आर को हमेशा इस नंबर से कम रखते हैं बेटा, तो यहाँ पर आर क्या लिखा जाएगा 0 से ग्रेटर और लेस देन टू 6, ऐसे लिखा जाएगा। तो आपके नंबर क्या क्या आ जाएंगे, एक नंबर आ जाएगा आपका बेटा जब आर को 0 लेंगे तो ए आ जाएगा 6q, ठीक है बेटा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, दूसरा नंबर आ जाएगा 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5, ठीक है बेटा। ये आपका यूक्लिड डिवीजन
लेमा जो होता है उसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए दोबारा समझिए, आपने नंबर उसी नंबर के अकॉर्डिंग मानना है, सिक्स है वहाँ पर, अगर बाई चांस वहाँ पर फोर होता या फाइव होता तो ये फोर क्यू प्लस आर, फाइव क्यू प्लस आर, टू क्यू प्लस आर, जिससे वो जैसी स्टेटमेंट आती है उसी के अकॉर्डिंग नंबर मानते हैं बेटा, ठीक है ना। आप इससे पहले वाले क्वेश्चन कर चुके हैं उनमें देखा होगा आपने, तो देखिए यहाँ पर अब आपने ये जो n n प्लस वन और n प्लस टू मानना था इसका क्या रोल होगा। अब देखिए आपका फर्स्ट नंबर, ये आपके पास पांच नंबर आए हुए हैं, पांच नहीं सॉरी सिक्स हैं, सिक्स नंबर आपके सामने आए हुए हैं, ये इसमें से आप किसी को भी n मान लो, मान लेता हूँ मैं ये n है, इसको क्या मानते हैं हम एन, प्रूव करके दिखाते हैं ऐसे, देखिए तो आपका एन कितना आ गया बेटा, सिक्स क्यूब, एन प्लस वन कितना आ जाएगा, सिक्स क्यू प्लस वन, एन प्लस टू कितना आ जाएगा, सिक्स क्यू प्लस टू, ठीक है बेटा बात समझ में आई। अब क्या स्टेटमेंट इन तीनों की प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, आपके जो प्रोडक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सिक्स क्यू इंटू सिक्स क्यू प्लस वन इंटू सिक्स क्यू प्लस टू अपॉन सिक्स। अब इसको आप आसानी से डिवाइड कर सकते हो, क्या हो गया सिक्स से ये सिक्स पे कैंसिल हो गया, तो आपका ये ऊपर जो बचेगा इसको आप लिख दीजिए, इसका मीनिंग क्या, ये सिक्स से डिवाइड होता है। अब हम इनको सबको ऐसे ही चेक करेंगे, एक मैंने चेक कर दिया, मैं इसको आप इसको सिक्स क्यू प्लस वन को खुद आप चेक करना, मैं सिक्स क्यू प्लस टू को उठाता हूँ, इसको मान लेंगे एन, एन कितना आ गया बेटा, सिक्स क्यू प्लस टू, तो एन प्लस वन कितना आ जाएगा, एन प्लस वन आ जाएगा बेटा सिक्स क्यू प्लस टू, तो ऑलरेडी है ये बेटा और वन इसमें ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा सिक्स क्यू प्लस थ्री, ऐसे ही एन प्लस टू कितना आ जाएगा, एन कितना बेटा सिक्स क्यू प्लस टू है और इसके अंदर टू और ऐड कर दो तो ये सिक्स क्यू प्लस फोर आ जाएगा बेटा, बात समझ में आई, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, सिर्फ क्या किया एन को उसके हमने मानना हुआ है, इनमें से किसी को भी आप एन चूज कर सकते हो, बट रूल तो क्या होता है सिक्स के सिक्स आपको प्रूव करके दिखाने होते हैं बेटा, ठीक है ना, पर हम तीन या चार करके दिखा देते हैं उससे भी चल जाता है काम अपना। तो अब क्या तरीका है, उसके बाद इसका तीनों प्रोडक्ट करेंगे एन, एन प्लस वन और एन प्लस टू का, तो एन कितना बेटा सिक्स क्यू प्लस टू है, सिक्स क्यू प्लस टू, एन प्लस वन कितना बेटा सिक्स क्यू प्लस थ्री है और सिक्स क्यू प्लस फोर है अपॉन में सिक्स। अब आप सोचेंगे सिक्स से कैसे डिवाइड होगा, देखिए कैसे डिवाइड होगा, इसमें से बेटा टू कॉमन आएगा, दिख रहा है यहाँ पर बच जाएगा क्योंकि ये दोनों टू से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हमने टू कॉमन लिया तो क्या आ गया बेटा, जो जो कॉमन लिया जाता है उसको डिवाइड कर दो, सिक्स को टू से डिवाइड करो थ्री क्यू प्लस टू को टू से डिवाइड करेंगे वन, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा थ्री क्यू प्लस वन, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, इसमें से सिक्स क्यू प्लस थ्री में से थ्री कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से लिखा मैंने थ्री कॉमन आ गया तो थ्री से सिक्स को डिवाइड कर टू क्यू प्लस वन, उसमें से कोई कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं आपको, तो आप उसको एज इट इज लिख दो सिक्स क्यू प्लस फोर ब्रैकेट में ऐसे और साइड नीचे लगा दीजिए सिक्स, तो देखिए सिक्स से डिवाइड हो गया, ये टू पे थ्री पे और थ्री पे ये टू पे, तो ये एग्जैक्ट सिक्स से डिवाइड हो गया, नीचे सिक्स खत्म करना हमने, नीचे वाला सिक्स खत्म तो समझ लो डिवाइड, अब जो ऊपर बच गया उसको एज इट इज लिख दीजिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक भी प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं, ये केस कर दिया मैंने, ये आप खुद करेंगे, ये मैंने कर दिया, ये भी आप कर सकते हो, मैं सिक्स क्यू प्लस फाइव करके दिखा देता हूँ आपको, तो देखिए यहाँ पर एन किसको मान देंगे सिक्स क्यू प्लस फाइव, ठीक है सिक्स क्यू प्लस फाइव, तो एन प्लस वन कितना आ जाएगा इससे अगले वाला नंबर, सिक्स क्यू प्लस सिक्स वन ऐड कर दो उसके बाद एन प्लस टू क्या आएगा बेटा सिक्स क्यू प्लस फाइव में टू ऐड कर दो सेवन, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है तीनों की मल्टीप्लाई करो, तो हमने जब तीनों की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया बेटा सिक्स क्यू प्लस फाइव, सिक्स क्यू प्लस सिक्स और सिक्स क्यू प्लस सेवन अपॉन सिक्स। अब आप देखिए इसमें कौन डिवाइड होगा सिक्स से, क्या इसमें से टू कॉमन आ रहा है, नहीं आएगा क्योंकि ये सिक्स है फाइव है, टू कॉमन नहीं आ सकता बेटा, इसमें से देखिए बेटा सिक्स कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या आ रहा है सिक्स, और सिक्स कॉमन आ गया तो सिक्स से सिक्स कट जाएगा, इसका मीनिंग डिवाइड हो गया ये, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, इसको ऐसे लिखेंगे सिक्स क्यू प्लस फाइव एज इट इज़, यहाँ से बाहर निकालूंगा बेटा सिक्स को, तो सिक्स कॉमन आया, सिक्स को सिक्स से डिवाइड किया वन क्यू बच गया, सिक्स को सिक्स से डिवाइड किया तो वन बच गया, और सिक्स क्यू प्लस सेवन एज इट इज़, तो आप इसको सिक्स से डिवाइड करोगे तो सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपने तीन चार केस करके दिखा देने इसके, उसके बाद आप क्या लिखोगे, हैंस
proved the product of three consecutive positive integer are divisible by 6. ये आपका क्वेश्चन पूरा ऐसे आपने कर देना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा और इसको आप ऐसे अच्छे से समझ सकते हैं और कर सकते हैं बेटा।